जनता के लिए। राजीव गुगलानी जी हमारे साथ में हैं, जिला शहादरा के बूथ संयोजक हैं। राजीव जी, आज आप सड़क पे उतरे, पूरे बीजेपी को लेकर के क्या कहेंगे सर? देखिए, दिल्ली जब से राज्य बना, आप उतार दीजिए जरा 2 मिनट के लिए। दिल्ली जब से राज्य बना, दिल्ली का एक मैकेनिज्म बना, केंद्र सरकार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, दिल्ली सरकार और निगम, तीनों के मैकेनिज्म से दिल्ली चलती है। और तीनों लोग आपस में, केंद्र का फंड दिल्ली में आता है, दिल्ली सरकार से फंड निगम पे आता है, इसी हिसाब से दिल्ली के कर्मचारियों को, चाहे वो निगम के कर्मचारी हो, दिल्ली सरकार के कर्मचारी हो, दिल्ली के कार्य, विकास कार्य, ये सारे चलते हैं। लगातार जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इससे पहले भी सरकारें रही हैं लगातार, उस कभी इस मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं आई और दिल्ली बड़े अच्छे से सुचारू रूप से चलती रही। दिल्ली ने हमेशा विकास का, मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स में ना जाके सीधा सीधा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, और मगर जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री आए हैं, दिल्ली में संविधान को ताक पे रख के एक तरह से अराजकता जो दिल्ली में फैला दी गई है, और जो संवैधानिक नियम है, जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों को ताक पे रखकर जो निगम का, निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह का पैसा है, वो लगातार रोके बैठे हैं। जिस जो आज देखा जाए तो 13,500 करोड़ रुपया हो गया है। आज आपने देखा कोरोना काल, लॉकडाउन में देखा किस तरीके से कर्मचारी सड़कों पे लगे रहे निगम के। उन्होंने ये दिल्ली को जितना भी उनसे प्रयास हो सका, उन्होंने दिल्ली को रुकने नहीं दिया, ऐसे कर्मचारी, और आज उनको तनख्वाह न मिल पाए, तनख्वाह न मिल पाए, बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, निगम के बड़े नेता आज केजरीवाल के घर के बाहर बैठे हैं, लगभग 6 दिन से बैठे हैं, कि 6 दिन से उस केजरीवाल को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो आके उनसे बात कर ले, भाई आपकी समस्या क्या है, क्या चीज़ कैसे मैनेज हो सकती है। ऐसा अराजक मुख्यमंत्री, ऐसा शिष्टाचार विरोधी व्यक्ति, मैं उसके लिए तो, मेरे को शर्म आती है उसके नाम पे कि दिल्ली के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री है। राजीव जी, कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि 6 दिन तो ऑलमोस्ट हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है, कार्यकर्ता सड़कों पर आ गया, ये लंबी लड़ाई चलेगी, और निगम के कर्मचारियों का पैसा हम उनको हक दिलाकर ही रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अपर्णा गोयल जी आपके विधानसभा के निगम पार्षद हैं, आईपी एक्सटेंशन की, वो लगातार 6 दिन से बैठी हैं, बहुत मौसम की मार हो या फिर शौचालय जैसी बेसिक सुविधाएं हो, वो सारी चीजें झेलना पड़ता। देखिए, 6 दिन से अपर्णा जी लगातार हमारे निगम के जितने अधिकारी हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ वहाँ पर बैठी हैं। हालांकि उनकी तबीयत भी लगातार पिछले खराब थी, मगर उस तबीयत की परवाह न करते हुए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि जिस ढंग से वो वहाँ पर क्या कहते हैं बैठी हुई हैं, और लगातार आंदोलन में अग्रणी बनकर उसको, आंदोलन को गति उन्होंने दी हुई है। बिल्कुल, आपने राजीव गुगलानी जी को सुना। खास तौर पर कहें तो लगातार बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, अब इन्हें बूथ संयोजक का पद मिला है जिला शहादरा में। और काम की बात करें तो केजरीवाल जी से एक ही कहना है कि कम से कम आप आकर के हमारे निगम पार्षदों की, महापौर की बात तो सुने।